मुझे बेहद अफसोस है। शाह एक अच्छा ऑफिसर था और मुझे यकीन है कि वो एक अच्छा शौहर और बाप भी होगा। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। शुक्रिया सर। अकबर, इनके पेंशन पेपर्स, शोहदा फंड और बेनिफिट्स का क्या इंतज़ाम है? जी सर, सब कुछ प्रोसेस करवा दिया है अर्जेंट बेसिस पे। गुड, बस अब आप सब्र करें, अल्लाह की जो मर्जी। सर, एक बात करनी थी आपसे। जी जी, बोलिए। सर, जो भी आपने हमारे लिए किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सर इस वक्त हमें खम गुसार की नहीं, इंसाफ की ज़रूरत है। मुझे अपने शौहर के लिए और मेरी बेटी को उसके बाप के लिए। अकबर, इन्वेस्टिगेशन की अपडेट्स क्या हैं? सर, रहमान गायब है। हमारे मुखबिरों ने बताया कि शायद दुबई भाग गया है, और वैसे भी सर कोई सबूत नहीं है कि वो कत्ल उसने खुद किया है या किसी से करवाया है। यानी कोई और भी हो सकता है? सर, जिस तरह के हालात में शाह काम कर रहा था वहाँ तो खतरा ही खतरा था। वो मुझे बता रहा था कि अफगानिस्तान से कुछ माल आ रहा है जिसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। आपका मतलब है कि कोई बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हो सकता है? जी सर, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। देखिए भाभी, अकबर पूरी इन्वेस्टिगेशन को खुद देख रहा है। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है? सर, आप कुछ बंदे और लगा दें। और रहमान, अगर आप लोगों को पता है कि दुबई भाग गया है तो उसे वहां से क्यों नहीं पकड़ के ला रहे? देखिए, ये इतना आसान काम नहीं होता, और वो भी इन हालात में। हर रोज धमाके हो रहे हैं। अभी पिछले माह मेरे 36 ऑफिसर और जवान शहीद हुए हैं। मैं किस किस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा? कम अज कम उस ऑफिसर को तो इंसाफ दिलवा सकते हैं ना आप, जिसको खुद आप लोगों ने मौत के मुंह में भेजा, जिसकी बीवी को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया आपके फैसलों ने। भाभी क्या? देखिए, ये अंडरकवर मिशन था, उसकी अपनी मर्जी थी, इंसिस्ट करके लिया था उसने। हमारे बार बार मना करने के बावजूद वो बाहर नहीं आया। अकबर से पूछ लीजिए, इसने भी मना किया था। देखिए, मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये पॉइंट आउट कर रही है कि शायद शाह भूल गया था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है या क्रिमिनल। सर प्लीज। अब माफी चाहता हूं। देखिए, ये हमारा इंटरनल मामला है, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे शहीद शौहर को क्रिमिनल कह रहे हैं और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर मुझे पता होता कि उसके अपने ही लोग उसके साथ ये सलूक करेंगे तो मैं कभी आपके पास इंसाफ के लिए ना आती। उठो। देखिए, सच एक ना एक दिन सामने आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। कैसे हो सकता है अकबर भाई, आपसे बेहतर शाह को और कौन जानता? मुझे पता है भाभी, लेकिन इतने साल वो दो जिंदगियां जीता रहा, हो सकता है दोनों के बीच की लकीर कहीं धुंधला गई हो। ऐसा दूसरे ऑफिसर्स के साथ भी हो चुका है, पर उसने मुझसे क्यों नहीं बात की? आपसे क्यों नहीं किया? मदद कर सकते थे उसकी। वो आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता होगा, आपको और फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रहा होगा।
इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। शायद हम ही शाह को सही तरह से समझ नहीं पाए। झूठ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा शौहर मुजरिम नहीं है, शहीद है, शहीद है वो। पब्लिक के सामने वो हमेशा शहीद ही रहेगा। ये इंटरनल पुलिस मैटर है, फाइल बंद हो चुकी है। शायद सब कुछ किसी अलमारी के अंदर हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट योर फादर। मेरे पापा He was a good man. साल में तुझे सलूट मारना नहीं आया, दोबारा ट्राई करता हूं सर। रहने दे, ये क्या कर रहा है? सर वो ऑफिस का सीसीटीवी सिस्टम खराब हो गया था, वो ठीक कर रहा हूँ। वॉल्ट मीटर का मसला है सर, वो 12 वॉल्ट पूरे नहीं आ रहे तो कैमरे ग्लिच मार रहे हैं। तुझे यहाँ रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के लिए रखा है या इलेक्ट्रिशियन? ज्यादा आइंस्टाइन ना बन, अपना काम कर। ऑफिस वाले ले आते हैं सर, मैं तो इंजीनियर हूं ना, आपको पता है। रिकॉर्ड कहाँ तक पहुँचा तेरा? सर मैं अकेला आदमी हूँ, एक एक सफ़ा अलग से स्कैन करना पड़ रहा है। कहाँ तक? 2015 तक के हो गए। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का डिसीजन लिया। अब से कुछ अर्सा पहले तक तमाम ऑफिसर अपने केस की फाइल हाथ से लिख कर जमा कराते थे, पर अब सब कुछ कंप्यूटराइज होगा। मामा आजू सोए नहीं अभी तक बेटा? मामा वो क्या हुआ? रिजल्ट कार्ड है, टीचर ने कहा साइन करवा के लाना है। टीचर ने कल आपको स्कूल मिलने के लिए बुलाया। ऐसा ये क्या रिजल्ट्स है बेटा, पढ़ाई नहीं की थी? मम्मा सॉरी। अच्छा बेटा प्लीज रो मत, कुछ नहीं होता, हम अगली दफा ज्यादा मेहनत कर लेंगे। हाँ जाओ मेरे पास आओ, जाओ बेटा। कुछ नहीं होता बेटा, रो मत। कमाल है अकबर भाई, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। बस भाभी मजा आ गया। इतनी फरमाइश करके आपने मुझसे बिरयानी बनवाई है, थोड़ी तो लें। रहने दें, वैसे ही यूनिफॉर्म में पूरा नहीं आ रहा हूँ मैं। चले डाल दें, डाइट अगले हफ्ते से शुरू करूँगा भाई, आज चीट डे। और तुम दो मिनट के लिए तो फोन छोड़ दिया करो, खाना खाओ। हाँ भाई अभी तक नाराज हो?
कौन नाराज है भाई, क्या हुआ? ये तो आप इसी से पूछें। हाँ सबिया, क्या हुआ? अंकल आप मुझे सीरियस क्यों नहीं लेते? मैंने कहा था ना आपको कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलहदा रखना है। अरे तो ऐसा क्या कह दिया मैंने, सिर्फ हाल चाल ही तो पूछा था। तो मत पूछा करें ना हाल चाल, ऑफिस से मैं सिर्फ एक कैडेट हूँ। ऐसी क्या बात हो गई है, हाल चाल ही पूछा है ना, इतना सीरियस क्यों हो रही हो भाई? अम्मी सीरियस होने वाली बात है, ऑफिस से मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये डिसाइड हो चुका था ना, तो फिर क्यों मिल रहा है? अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप मेरी टीम में से किसी और को बुलाकर उसका हाल चाल पूछते हैं? अंकल प्लीज डोंट सिंगल मी आउट। आई थिंक यू आर बीइंग अनफेयर, सिंगल आउट थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी वेलबींग पर नजर रखना मेरा हक तो है ना, है कि नहीं? अंकल आपको पता है अनफेयर होना किसे कहते हैं? जो आप करते हैं, कमांडर सर से आप रोज मेरी रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, मेरी टीम को अगर पता लगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अंकल मुझे सब कुछ मेरिट पे करना है। अच्छा सॉरी, शायद तुम ही ठीक कह रही हो। आपको इसे सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो है ही खार दिमाग अपने पाप की तरह। नहीं भाभी, कसूर मेरा है, असल में मैं ये भूल गया था कि सभिया अब वो बच्ची थोड़ी है, इसे मैंने अपने हाथों में पाला। वो क्या है ना कि हम भूल जाते हैं और हम समझते हैं कि बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे, लेकिन वो बड़े हो जाते हैं। आपको शायद एक और बात भी याद नहीं रही, सभिया आपकी बेटी नहीं है, ना मैं आपका बेटा हूं, हम आपकी औलाद नहीं है। क्या ठीक ही तो बोल रहा हूं मैं? आई थिंक ही इज कंफ्यूज, आप हमारे बाप नहीं है। बेगैरत, बाप मर गया है तुम्हारा, इस शख्स से पाला है तुम लोगों को, इज्जत करोगे तुम इसकी, समझे? नहीं भाभी रहने दे प्लीज। बेटा तुम्हारा बाप दोस्त था मेरा, बिल्कुल भाई जैसा। आप मेरे बेटे नहीं हो, लेकिन अपनी औलाद से ज्यादा अजीज हो मुझे। आपका भाई, आपका दोस्त अगर आपको इधर देखता तो क्या सोचता? आप उनकी कुर्सी पे बैठकर उनकी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, जब वो यहां नहीं है तो उनकी औलाद को पाल रहे हैं, उनकी बीवी के साथ मिलके उनके फैमिली डिसीजंस ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, प्लेइंग द फादर द हस्बैंड? प्लीज शट अप। जद्दा वापस भेज दिया गया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कहना है कि वो इलेक्शन एक बार फिर भरपूर शिरकत करेंगी। माय सॉल्यूशन एंड माय सॉल्यूशन इज लेट्स रिस्टोर डेमोक्रेसी, लेट्स मोबिलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल, लेट्स गो टू द मैसेस, लेट्स स्ट्रेंथन द पीपल। ये लीजिए आपका आ गया स्कूल। मैं साथ चलूं? छोड़ो आपको। नहीं मैं चली जाती हूं। चलिए बेटा, अगर आप अभी रेडी नहीं हो तो घर चलते हैं, कोई जरूरत नहीं जाने की, थोड़ा टाइम और ले लो। आपके टीचर से बात हो गई थी मेरी, उन्हें पता है जो हुआ था। अंकल अब कभी ना कभी तो लाइफ फिर से स्टार्ट करनी है ना, अब हर वक्त घर बैठकर रो तो नहीं सकती। बात सुनो जी, अगर स्कूल में कोई बच्चा बात करे तो आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है, मुझे मालूम है आपको गुस्सा है, पर
लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। और आपके पास मेरा नंबर है, आप जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हैं, ठीक है? जाओ शाबाश। कौन रो रहा? समीर, कुछ हो जाता तो आप देखे तो सही इसे। देखो क्यों रो रहा, भूख लगी होगी। बच्ची बता रही है कि सारा सारा दिन कोई बात नहीं करती, खाना नहीं खाती और बेबी की तरफ तो तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देती। सबिया डरती रहती है सारी सारी रात, और ऊपर से बच्चे को भी इसे संभालना पड़ रहा है। फिजिकली तो ये बिल्कुल ठीक है, साइकोलॉजिकली ठीक नहीं लग रही, कोई आउटस्टैंडिंग इशू है। असल में पिछले चंद माह इन पर काफ़ी मुश्किल गुजरे हैं। उसका असर भी हो सकता है, और अक्सर ख़वातीन बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। एनीवेज ये मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ये रिलैक्स रहेंगी, इनको सोने में हेल्प मिलेगी और डिप्रेशन में कमी आएगी। थोड़ी ड्रॉजीनेस होगी बट अदरवाइज शी इज़ गोइंग टू बी फाइन। और आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक दो बार आउटिंग ज़रूर करें। नाश्ता कर लें अम्मी। अम्मी नाश्ता कर लें अम्मी। अम्मी क्या हो गया आपको?
Have a great weekend. Sabiha. Yes, sir. तुम रुको थोड़ी देर. फ्राइडे को क्लास के बाद तुमने घर नहीं जाना. हम शूटिंग रेंज पे मिलेंगे. तुम्हारी ट्रेनिंग है वन ऑन वन. सर वन ऑन वन? तुम अकेली और गन रेंज. ये जो खौफ है तुम्हारा फायरिंग को लेकर, इसका इलाज करना है. ठीक है सर? आपको ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं? मैं उस्ताद हूं तुम्हारा. तुम्हें ट्रेन करना मेरी ड्यूटी है. फायरिंग से डरोगी तो कभी भी पास आउट नहीं कर पाओगी. और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंड? यस सर. फ्राइडे तैयार रहना. सर. बताओ क्या कहना है? मैं आजू के स्कूल भी गई थी. उसके टीचर भी काफी कंसर्न है उसे लेकर. ऐसे ग्रेड्स तो कभी नहीं आए यार आजू के. उसके टीचर ये भी कह रही थी काफी विद्रॉन रहती है, बाकी बच्चों से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती. ऐसन कहीं हमारी वजह से हमारी बेटी का नुकसान? हमारी वजह? ये डिसीजन तुम्हारा था. ताले दो हाथों से बचती है ऐसन. सबीहा मैं आखिर तक आयजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था. कुछ भी. एक लवलेस पैशनलेस शादी में रहने के लिए भी. लेकिन तुमने आज तक किसी की बात सुनी हो तो ना? ऐसा दिस इज नॉट अबाउट अस, दिस इज अबाउट आवर डॉटर. अब हमें जो कुछ भी करना है आयजा के लिए करना है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली थी ना? तुम उसको यहां पे लेके आई थी कि मैं नौकरी भी कर लूंगी, मैं बेटी भी पाल लूंगी, सुपर वुमन बनने का शौक तो तुम्हें है ना? चाहिए मुझे एम फायर टारगेट को देख के फायर करो. अगर पिस्टल की साइड के बीच में रखो टारगेट. अगेन
एक टारगेट भी हिट नहीं किया है तुमने। तुम्हारा अंकल बन के बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारा बॉस बन के कह रहा हूं। अगर ऐसे चलता रहा तो पास आउट नहीं कर पाओगी तुम। लुक एट मी व्हेन आई टॉक टू यू कैडेट। आर यू ओके? यस सर। तुम फिर से शुरू हो गई हो? ये पुलिस एकेडमी है, यहां हर क्रेडिट का ड्रग टेस्ट होता है, पता है ना तुम्हें? आप चीफ हैं, जो बेहतर समझा करें। बेटा, आई एम वरीड अबाउट यू। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इज दैट ऑल सर? मैं जाऊं। थैंक यू सर। हमेशा ठीक ही रहते हो। जो मैंने देखा, जिस कर्ब से मैं गुजरी हूं, मैं अपनी बेटी को कभी उस दर्द से नहीं गुजरने दे सकती। मैं अपनी बेटी को अपने फैसलों की सजा नहीं दूंगी। Yeah.